बहुत सारे लोग सोचते समय दूसरे को केंद्र में कर देते हैं, अपनी सारी समस्या, अपनी सारी असफलता, अपनी सारे दुख का वो किसी और पे उसका कारण डाल देते हैं। जबकि अगर गहराई से सोचें तो कहीं ना कहीं खुद में निकल जाएगा, कहीं ना कहीं खुद पता चलेगा कि नहीं यार, मेरे मेरे बोलने का ढंग, मेरे काम करने का तरीका, मेरी जो आदतें हैं उसकी वजह से मैं असफल होता हूँ। तो हमेशा जब भी आप सोचें ना, आप अपने आप को केंद्र में रख के सोचें, देखें कि आपकी जिंदगी में ना क्या प्रॉब्लम चल रही है। एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूं कि अगर आप सोचो कि आपकी सेहत खराब है या आपको कोई हेल्थ इशू है, तो जब आप सोचोगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा कि यार आप उठते कितने बजे हो, सोते कितने बजे हो, खाते क्या हो, पीते क्या हो, ज्यादा तो नहीं पीते हो, क्या क्या चीजें ऐसी करते हो जिससे आपकी सेहत खराब हो रही है। और वो आपको डॉक्टर भी बता देगा, वो आपको शायद कोई भी पढ़ा लिखा समझदार जो आपका दोस्त है वो भी बता देगा, लेकिन हम उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते। तो सोचने से हमें सोल्यूशन निकलता है, सोचने से हमें पता चलता है अगर मेरा बिजनेस खराब है या मेरा मेरे मेरी 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 टीम में लोग नहीं है या मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जिसमें मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो सबसे पहला उपाय ये बताया जाता है कि भैया आप अकेले जाओ और थोड़ा बैठ के ना अपने बारे में सोचो, अपनी आदतों के बारे में सोचो, अपने काम के बारे में सोचो, आप जो अंदर से कुछ चीजें ऐसी कर रहे हो उसके बारे में सोचो जो सिर्फ आप ही जानते हो। बहुत बार हम दुनिया को दिखाने के लिए बहुत सारी चीजें कर देते हैं लेकिन इंटरनली हम उतने सीरियस नहीं होते, इंटरनली हम उतने एफर्ट्स नहीं मार रहे होते। तो ये जब हम सोचते हैं ना तो हमें खुद ही पता चल जाता है, और जब आप सोचते हो ना तो जो समझ है समझ अपने आप आती है। कहा था ना समझदार को इशारा काफी है, वो समझदार को इशारा क्या है, जब हम सोचते हैं ना तो हमें वो इशारा मिल जाता है, हमें वो निशानी मिल जाती है जिससे हमें पता चलता है कि हाँ यार इस पॉइंट में ना मैं यहाँ पे कमी है।